तो एक बार फिर से एमपी राजभर जी मेरे साथ हैं। जिस तरीके से भारत माता की जय और जय श्री राम के जो नारे आज देश में लग रहे हैं और तमाम युवाओं को बेदर्दी से पीटा जा रहा है, जो भारत माता की जय नहीं बोलता है वो देश का गद्दार समझा जाता है। एमबी राजभर जी मेरे साथ हैं, इतिहासकार हैं जाने माने और सम्मानित भी, उन्हें कई जगह उन्हें सम्मानित किया गया है। और सर क्या कहेंगे भारत माता की जय? ऐसा है सर कि एक भारत जाति थी, भारत कबीला था, एक जाति नहीं थी उसमें, हमारे देश के मूल निवासियों की। वो भारत जाति के पहले देश में द्रविड़ कल्चर के लोग थे, उसमें सांब एक था जो ऋग्वेद में आया। सांब, सांब से ही जंब बना, जंबू बना है। ये जंबू द्वीप है भारत खंडे आर्यावर्त देश से, जंबू द्वीप था ये पूरा द्वीप, जंबू के शंबू के नाम से था जो आदिवासी था, मूल निवासी था इस देश का। एक चीज और है, ये आदिवासी को आजकल ये आदिवासी को मूल निवासी को आजकल वनवासी बोलने लगे हैं। ये शब्द गढ़ते हैं, शब्द गढ़ के दिग्भ्रमित करते हैं लोगों को। हम लोग आदिवासी लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं। उसी में से भारत एक कबीला था, वो इतना बलिष्ठ था कि उसके उसने इस पूरे खंड पर अपना राज्य स्थापित किया, इसलिए भारत खंडे, इसको भारत खंड बोला जाता है। बाद में आते आते उसी भारत से नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इन लोगों ने गलत पढ़ाया कि दुष्यंत और शकुंतला का लड़का था भरत, जो दांत गिनता था शेर के, उसके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। एकदम गलत है, कहीं ऑथेंटिक बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल अनर्गल बात है। ये देश का नाम पड़ा तो उसी मूल निवासी भारत के नाम से। उसको ये लोग डिमोरलाइज करने के लिए भारत वर्ष का जय नहीं बोलते, ये भारत माता बोलते हैं उसको, क्योंकि डिमोरलाइज हो, हिस्ट्री कन्वर्ट करे ये लोग। तो इसी तरह से इन लोगों ने सारे भारत कैसे हो सकता भाई, वो पुरुष है, माता कैसे हो सकती है? तो ये लोग अलग अलग चीजें गढ़ करके केवल देश को धर्म के नाम पर, जात के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे देश का मटिया मेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग विज्ञान पे चल रहे हैं, हमारा देश मूर्ख ज्ञान पे चल रहा है, वेद पुराणों से चल रहा है। ये शास्त्र से नहीं, देश को शास्त्र से चलाना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं होगा जब लोग हम तब जिंदा हैं। अभी अवेयरनेस नहीं है, इस बार जो हुआ केवल अवेयरनेस की वजह से इन लोगों ने सत्ता में आ गए। मैं पूछता हूँ, चार शूद्रों का काम सेवा करना था, ये जितनी सरकारी सेवाएं हैं, प्रशासन है, ये सेवा है, चाहे रेल सेवा हो, डाक सेवा हो, सारी सेवाएं, सेवाएं का काम आपने कैसे ले लिया? और उल्टे भरण व्यवस्था भी मानते हो, सेवा का काम तो हमारा था, सारी सेवाओं में 90% 95% हमको होना चाहिए, आप कैसे चले गए वहां? ये मूर्ख बनाने का सिर्फ हमारे में लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से ये कुछ भी कर ले रहे हैं, ये हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। हम खुद लिख रहे हैं, सब खोज रहे हैं, आपको ताकत हो आप चले जाइए। कई बार गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में गए हैं, ऐसी ऐसी चीजों पर जब हम लोग लिखते हैं तो ये लोग कोर्ट में चले जाते हैं, लेकिन जब दलील शास्त्र होता है उस समय फेल हो जाते हैं, कभी जीता नहीं लोगों ने। जाए जाए बिल्कुल सिद्ध करें कि भारत माता होती है। तो स्पष्ट है, और क्या कहना चाहेंगे? तो इस तरह से ये लोग, गाय है, गाय को माता कहते हैं, गाय का मूत्र से सारी चीज कहते हैं, गोबर को गणेश कहते हैं। गोबर को गणेश कहने वाले लोग देश का कितना विकास करेंगे? विश्व गुरु कभी नहीं रहा देश, अगर रहा तो लाइट ऑफ एशिया मालूम है गौतम बुद्ध को बोलते हैं, और सिंबल ऑफ नॉलेज किसको बोलते हैं? बाबा साहब को। आज तक दो ही आदमी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किया है, डीएस डॉक्टर ऑफ साइंस, एक के आर नारायणन थे, एक बाबा साहब अम्बेडकर थे, तीसरा कोई है इनमें? पूरे एशिया में उनका नाम है, यहाँ कौन है? यहाँ मूर्ख, सारी चीज मूर्ख बनाए। जितना वेद पुराण लिखा है मैं सब पढ़ाऊ, मेरे पास है, इसलिए छाती ठोक के कहता तू बहस कर ले। पहला खंड पुराणों का प्रकृत खंड होता है, पहाड़ कैसे बने, नदी कैसे बनी, पृथ्वी कैसे बनी, झरने कैसे बने, मनुष्य कैसे पैदा हुआ, जितना इनका आइडियोलॉजी है सारा एकदम जीरो है, पूरी दुनिया जानती है कैसे बना। लेकिन हमारे देश में सूरज को निगलवा देते हैं हनुमान से, आप सोच लीजिए क्या क्या नहीं करते, रोज पाठ करवाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है, केवल हमारे लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए। और ये प्रोस्पेक्टर से माध्यम से, सिलेबस के माध्यम से हमारे लोगों के दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इतिहास तो सर अलग से, इसलिए अलग से हमको ये चीज पढ़ानी पड़ेगी, जब हमारी शासन और सत्ता आ जाएगी सारी चीज हम बदल देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे इनकी, एकदम नहीं चलने देंगे, ये सदैव नहीं चलेगा, काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, नहीं चढ़ने देंगे हम।
यही हमारा मोटो है, इसी को आगे लेके चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो हमारे साथ एमबी राजभर थे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपकी आवाज न्यूज 24 लाइव। थैंक यू सर। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।